नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनोज कुमार, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो कि बताएंगे पॉपुलर की पौध को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान भाई, मेरा नाम श्री राम है, ग्राम जंगरोली आशा का रहने वाला हूँ, जिला पीलीभीत। अच्छा, पॉपुलर के बारे में आज अपने बात कर रहे हैं, किस प्रकार से पॉपुलर को तैयार किया। पॉपुलर जो है, हम लोग पहले जो है पेड़ खड़े पेड़ से उसकी टहनियां लेते हैं, फिर उसकी कलम बना के उसकी पौध बनाते हैं, और पौध बनाने के बाद में जब वो एक साल के बाद फिर पौध गाड़ देते हैं, गाड़ने के बाद में फिर जो पौध उसकी निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, इसमें डीपी डालते हैं, फिर जो एक साल में पौध तैयार हो जाती है। हाँ, एक साल में पौध तैयार हो जाती, फिर उसे उखाड़ कर जड़ समेत वो उसको धर देते हैं हम मार्च के महीने में उसको खेत में लगा देते हैं। फिर जो है जो पॉपुलर 5 से 6 साल तक में 3 से 4 फीट की गुलाई हो जाती है, उससे हम लोगों को फायदा मिलता है। अच्छा, एक पेड़ की कीमत की बात की जाए तो कितने रुपए? एक पेड़ की कीमत लगभग 1500 से लेकर 2000-3000 तक की कीमत 5 साल के अंदर हो जाती है। अगर कोई किसान भाई इसकी पौध तैयार करे तो किस प्रकार से तैयार करे? वो इसी प्रकार से तैयार करे, पहले खड़े पेड़ से उसकी टहनियां मार्च के महीने में जब पतियाल ले जाता है पेड़, तो पतियाल लेने के बाद में उसकी टहनियां काट के और उसकी हल्की हल्की गठिया बना के वो गाड़ दे। गाड़ने के बाद में फिर उसमें पानी छोड़ दिया जाए, पानी छोड़ने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई सब करी जाती है, फिर जो है एक साल के बाद तैयार हो जाता है। हमारी पौध इस वक्त 8 महीने की तैयार हो गई है, 3 महीने के बाद इसकी गड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, फिर उसकी गड़ाई होके गड्ढा करके 1.5 फीट गहरे। अच्छा। हाँ, 1.5 फीट गड्ढा गहरा करके फिर उसमें पौध धर दी जाती है। खेत के किनारे किनारे भी इन्हें लगा सकते हैं? हाँ, खेत के किनारे भी लगा सकते हैं, प्लांटिंग भी कर सकते हैं। कैसे लगानी पड़ती है? खेत के किनारे लगभग में 3 फीट की दूरी पे खेत की चौहद्दी लगा सकते हैं, मेड़ के किनारे। उससे बाढ़ की भी सुविधा हो सकती है, और जो है मतलब वो खेती भी होती रहती है, और मेड़ पे पेड़ पौधे भी तैयार हो जाता है पॉपुलर का। अगर निधर प्लांटिंग करते हैं तो हमें उससे उसकी एक फसल मिलती है, गेहूं की फसल। हाँ, वो गेहूं की फसल हम आराम से पूरी काट सकते हैं, और एक धान की फसल नष्ट होती है, बाकाया तो हम गेहूं की फसल बराबर काटते हैं। क्या नाम, क्या पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं इसके पौध को? हाँ, थैली में भी एक थैली में मिट्टी भर के, और मिट्टी भर के उसमें जो है एक गिल्ली गाड़ सकते हैं, उसका भी पौध तैयार कर सकते हैं। बताओ कैसे गाड़े? दो थैली में मिट्टी भरी जाएगी, मिट्टी भरने के बाद में मिट्टी में डीपी मिलाई जाएगी, थोड़ी दवा मिलाई जाएगी कीटनाशक, फिर उसके बाद एक गिल्ली गाड़ दी जाएगी, दो लाइन धर दी जाएंगी। हाँ, इसके बाद वो एक साल में पौध तैयार हो जाती है। उसके बाद जमीन में लगा सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, आपने कराया कितने जगह में कराया? ये तो थोड़ी सी पौध है जो लगभग से ये बहुत घनी है। हाँ, जो घनी हो गई है। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे घनी लगने से पौधा जो है पतला रह जाता है। हाँ, घनी लगने से पौधा पतला रह जाता है, और जो है अगर एक बालिश की दूरी पे और एक फिट का अगर रेजा हो, एक बालिश की दूरी पे हम पौध लगाते हैं तो पेड़ अच्छा मोटा और स्वस्थ रहता है, और घनी लगने से पेड़ जो है पतला और वो होता है, वो